तो देखिए मैं रीकैप क्लास में रीकैप क्लास के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से पुनः रीकैप कराऊंगा और उससे के माध्यम से जो ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस रस से संबंधित उन्हें मैं एक बार को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बहुत ध्यान से एक एक बिंदु को सिर्फ सुनना है, ठीक है। रस, जैसे कि रस की परिभाषा है, साहित्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। इतना याद होना चाहिए, जो कि इसकी मोस्टली परिभाषा है। रस अगर हम देखें, बहुत ध्यान से सुनना है, रस जिसे काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस जिसे काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस क्यों कहा जाता है। तो बहुत ध्यान से सुनना है, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार रस के बिना काव्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को कहा जाता है, क्लियर। अगर रस संप्रदाय के प्रवर्तक बने हैं तो ये कैसे बने, जरा ध्यान देंगे। इनके द्वारा सर्वप्रथम एक नाट्य शास्त्र रचना हुई जो इन्होंने लिखी, और नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रसों के बारे में बताया गया। बहुत ध्यान से सुनना है, इसीलिए कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, नाट्य शास्त्र। अब चूंकि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, भरत मुनि, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, भरत मुनि, इसीलिए भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है, क्लियर। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन याद रखनी है कुल रसों की संख्या 9 है, ये पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे, क्लियर। अगर मैं रसों के बारे में बात करूं तो एक बार ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं ज्यादातर कांस्टेबल लेवल की दृष्टि से। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, और बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य, और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, क्लियर। ये हमें याद होना चाहिए, कई बार पूछा जाएगा। अगर मैं रस के अंग की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनना है, रस के 4 अंग होते हैं, ये पूछा जाएगा, कौन सा अंग नहीं होता ये भी पूछ लिया जाएगा। तो रस के जो 4 अंग होते हैं, एक तो होता है स्थायी भाव जिसकी संख्या होती है 9, एक होता है आपका अनुभाव जिसकी संख्या होती है 8, एक होता है विभाव जिसकी संख्या होती है 2, और एक होता है संचारी भाव जिसकी संख्या होती है 33। और ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। संचारी भाव ऐसे भाव हैं जो मन में आते हैं और चले जाते हैं, इसी कारण इनको मन में आने जाने वाले भाव भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा कि मन में आने जाने वाले भाव किसको कहा जाता है, संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, क्लियर। और हिंदी के हिसाब से अगर हम देखें, जैसा कि मैंने अभी बताया, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन कुल रसों की संख्या 9 है। नवा रस जो है वो शांत रस है, और शांत रस का स्थायी भाव होता है स्टूडेंट समया निर्वेद, कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।